स्थितियां हैं और कितनी स्थितियां बिगड़ सकती थीं। रायपुर से एक और बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस। सुशील आनंद शुक्ला को भी मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह नोटिस भेजा है, गुंडा कहने और नौटंकी वाले बयान को लेकर यह नोटिस जारी भेजा गया है वकील के जरिए। ब्रजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री, गुंडा कहा गया, नौटंकी वाला कहा गया, इस बयान को लेकर अपने वकील के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस, सुशील आनंद शुक्ला को मानहानि का नोटिस ब्रजमोहन अग्रवाल ने भेजा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के बड़े नेता, रायपुर की सीट से उम्मीदवार, लगातार कैंपेनिंग इन्होंने की। कैंपेनिंग के दौरान आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब यह जानकारी के नोटिस भेजा गया है ब्रजमोहन अग्रवाल की तरफ से। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से, गुंडा वाला बयान, नौटंकी वाला बयान दिया गया था। बिल्कुल, देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल जो है उन्होंने नोटिस जारी किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस भेजा है अधिवक्ता के जरिए, जो राजकुमार है उनके जरिए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस संचालन प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनको नोटिस भेजा है। दरअसल जब ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि प्रचार प्रसार के दौरान उन पर बेनतारा में हमला हुआ है, तो उसके बाद में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि कांग्रेस के जो गुंडे हैं के लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि ब्रजमोहन अग्रवाल के अलावा किसी को ये कहना जो है वो गुंडों का अपमान है, उनसे बड़ा गुंडा ब्रजमोहन अग्रवाल जो है वो उनसे बड़ा गुंडा कौन है। जिनके उन्होंने बयान भी दिया था कि टेबल के नीचे जो है उस समय के जो प्रभारी थे उनको छुपना पड़ा था, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुशील आनंद शुक्ला जो है उनका एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि ब्रजमोहन अग्रवाल हार के डर से हमले की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। और उस समय जब ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये कहा था कि उन पर हमला हुआ है, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक सियासत है वहां पर एक अलग तरह की हलचल शुरू हो गई थी और एक अलग तरह का माहौल बन गया था। ब्रजमोहन अग्रवाल उनके समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव भी किया था और लगातार ये फिर घटनाक्रम चला था। अब इसको लेकर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया और उसके बाद कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया, तो उसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के जरिए ये मानहानि का नोटिस भेजा है। और उन्होंने ये कहा है उस नोटिस में कि उसके लिए माफी मांगी जाए, नहीं तो वो आगे जो है वो और जो कार्रवाई है उसके लिए न्यायालय लड़ाई लड़ेंगे। तो ये इस वक्त अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें ये अब तक की बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दूं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो अविभाजित मध्य प्रदेश के जो है उनके अधिवक्ता ने कहा है कि वो मंत्री रहे हैं, 7 विधानसभा चुनाव में जीते हैं, और घटना होने से बाद उन्होंने ये कहा है कि ब्रजमोहन किसी दूसरे को गुंडा कहना मतलब गुंडा शब्द का अपमान है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समय बयान आया था और सुशील शुक्ला के बयान को भी उन्होंने कोट किया हुआ है और ये कहा है। लेकिन उसमें मुख्य ये कहा है कि जानबूझकर पूरी जानकारी के साथ मेरे पक्षकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी बात दतिया की, जहां